हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BS रिव्यूज़ में। आज हम लोग रिव्यू करेंगे जॉन अब्राहम की मूवी सत्यमेव जयते 2 को, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सत्यमेव जयते 2 ये मूवी आज ही थिएटर्स में रिलीज़ हुई है। और आगे कुछ भी बोलने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये कंप्लीट मास मसाला मूवी है, जिसे देखने के लिए आपको अपना दिमाग घर पर ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने इस मूवी में थोड़ा भी दिमाग लगाया तो ये मूवी आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने वाली है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस पर तो मैं आगे वीडियो में बात करूँगा। अगर हम इसी कहानी की बात करें तो ये कहानी कुछ ऐसी है कि दादा साहब जो कि एक ईमानदार किसान रहते हैं, उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि उनके दो बेटे सत्या और जय अलग अलग राहों पर निकल जाते हैं। तो दादा आपके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ है और अब सत्या और जय क्या कर रहे हैं, यही सब इस मूवी की कहानी है। अगर हम इसकी स्क्रीन प्ले की बात करें तो पर्सनली इस मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि जिस तरह से इस मूवी को लिखा गया है ना, वो इतना ज़्यादा पुराना है कि आपको इस मूवी को देखते वक्त ऐसा लगेगा कि आप कोई 90s की मूवी देख रहे हो। जिसके कारण जब ये मूवी स्टार्ट होती है और अपनी पूरी सिचुएशन को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है ना, वो आप पे किसी भी तरह का कोई इंपैक्ट नहीं डाल पाती है और आप चाहकर भी इस मूवी में इन्वेस्ट नहीं हो पाते हो, जो कि काफ़ी बुरी बात है। और फिर जिस तरह से मूवी आगे बढ़ती है और अपनी पूरी सिचुएशन को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है और हमें बताया जाता है कि सत्या और जय किस तरह से लड़ रहे हैं, दोनों के बीच में किस तरह की आइडियोलॉजिकल वॉर चल रही है, वो सब भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया है। क्योंकि इन सारी चीज़ों को जिस तरह से लिखा गया है ना, वो किसी भी टॉर्चर से कम नहीं है। क्योंकि पर्सनली मैं हर एक मूवी को देखते वक्त अपना पूरा दिमाग लगाना पसंद करता हूँ, और इस मूवी में जो कुछ भी चल रहा था ना, उसे देखकर पहले तो मुझे हंसी आ रही थी, बाद में मुझे रोना आ रहा था, क्योंकि मैं क्या देख रहा हूँ, क्यों देख रहा हूँ, मुझे बस समझ ही नहीं आ रहा था। और उसके ऊपर से जिस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं ना भैया, उन्हें देखकर तो मैंने अपना सर पकड़ लिया था, क्योंकि कोई राइटर्स इतने घटिया ट्विस्ट कैसे डाल सकता है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। और जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स की, तो जॉन अब्राहम की इस मूवी में 3 कैरेक्टर्स हैं, और सच में जिस तरह से तीनों ही कैरेक्टर्स को लिखा गया है ना, आप ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। और जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स थे वो भी कुछ तो भी थे। और यहाँ इस मूवी के डायलॉग्स की बात करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस मूवी में भर भर के पंच डायलॉग्स डाले गए हैं, जो कि स्टार्टिंग में तो हमें अच्छे लगते हैं लेकिन फिर रिपीटेटिव लगने लगते हैं, और उसके बाद इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हम इरिटेट होने लगते हैं, जो कि काफ़ी बुरी बात है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इस मूवी के राइटिंग बेसिस पे, लेकिन उन सब पे बात करके मैं आपका और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। और जहाँ तक बात है एक्टिंग की, तो दिव्या कौशला कुमार का काम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और जिस तरह से जॉन अब्राहम ने अपने तीनों ही कैरेक्टर्स प्ले करे ना, उनका काम भी बिलो एवरेज है, क्योंकि हर एक कैरेक्टर में वो बस चिल्लाते हैं और पंच डायलॉग्स मारते हैं, वो भी बिना किसी एक्सप्रेशन के, जो कि एक टाइम के बाद देखना काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग हो गया था। और जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, तो डायरेक्शन तो इस मूवी का बहुत ज़्यादा ख़राब है, और डायरेक्टर को जितनी गालियाँ दी जाए उतनी कम है, क्योंकि डायरेक्टर ने मेरे 300 रुपये बर्बाद कर दिए हैं। और यहाँ एडिटर की बात करना सही नहीं होगा, क्योंकि बेचारा एडिटर इस मूवी को देखकर बेहोश हो गया होगा, इसीलिए उसने इस मूवी की एडिटिंग में ज़्यादा टाइम खर्च नहीं किया होगा। और अगर हम प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो वो ठीक ठाक है। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये एक बहुत बकवास मूवी है, जिसमें देखने लायक कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप लोग उनमें से हो जिन्हें अपना दिमाग बंद करके मास मसाला मूवीज़ देखना पसंद आती हैं, तो शायद आपको ये मूवी पसंद आ सकती है। लेकिन मेरी तरह की ऑडियंस को ये मूवी बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने वाली है, तो आपको ये मूवी देखनी या नहीं ये आपके ऊपर है। और अगर आप लोगों ने मूवी देख ली हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन या शिकायत करनी हो तो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर हम इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।